हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्रवण कुमार, योर साइंस टीचर। टुडे वी विल स्टडी ऑफ चैप्टर 8, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड दैट थिंग्स अराउंड अस आर आइदर लिविंग और नॉन लिविंग। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे आसपास की वस्तुएं या तो सजीव हैं या निर्जीव। फर्दर यू मे रिकॉल डेट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट सर्टेन बेसिक फंक्शन। कैन यू लिस्ट दीज फंक्शन? आपको ये भी याद होगा कि सभी सजीव कुछ मूलभूत कार्य संपादित करते हैं। क्या आप इन कार्यों की सूची बना सकते हैं? डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन परफॉर्म द वेरियस फंक्शन यू हैव लिस्टेड। इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन विच इज द सेल। विभिन्न अंगों के समूह विभिन्न कार्य करते हैं, जो आपके द्वारा लिस्ट तैयार की जा सकती है। इस चैप्टर में आप उन ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर की मूलभूत इकाई के रूप में पढ़ेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल बोलते हैं। सेल्स मे बी कंपेयर टू ब्रिक। सेल की तुलना हम किससे करते हैं? ब्रिक से करते हैं, यानी कि ईंटों से करते हैं। ब्रिक आर असेंबल टू मेक बिल्डिंग। सिमिलरली सेल्स आर असेंबल टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गन। जिस प्रकार से ब्रिक से मिलकर, छोटी छोटी ब्रिक से मिलकर क्या बनती है, एक बिल्डिंग बनती है, उसी प्रकार से मिलियंस सेल्स, यानी कि बहुत मिलियंस सेल्स मिलकर क्या बनाती हैं, बॉडी बनाती हैं। यानी कि बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं, सेल से मिलकर बनते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी कि सेल की खोज किसने की। रॉबर्ट हुक इन 1665 ऑब्जर्व स्लाइसिस ऑफ कॉर्क अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइसेस। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क की स्लाइस की स्टडी कर एक माइक्रोस्कोप की सहायता से सेल को देखा। कॉर्क इज द पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री। उन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइस ली, जो कि किस क्या होती है, एक पेड़ की क्या होती है, छाल होती है, यानी कि पेड़ की एक छाल ले ली पतली सी, उसमें उन्होंने सेल को देखा। ही टुक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क एंड ऑब्जर्व देम अंडर अ माइक्रोस्कोप। किससे देखा, माइक्रोस्कोप से देखा। ही नोटिस पार्शियन बॉक्सेस और कंपार्टमेंट्स इन द कॉर्क स्लाइस। और उन्होंने नोटिस किया कि उसमें छोटे छोटे बॉक्स जैसे दिखाई दिए, मधुमक्खी के छत्ते के समान। दीज बॉक्सेस अपीयर लाइक अ हनीकॉम। ही ऑल्सो नोटिस डेट वन बॉक्स वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाय अ वॉल और पार्टीशन। हुक क्वाइंड द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स। उन्होंने ये भी देखा कि जो बॉक्स हैं वो एक दूसरे से क्या हैं, अलग अलग हैं। हुक ने प्रत्येक बॉक्स को कोशिका का नाम दिया। किसका नाम दिया? कोशिका का नाम दिया। वॉट हुक ऑब्जर्व एज बॉक्सेस आर सेल्स इन द कॉर्क बर एक्चुअली डेड सेल। लेकिन ये भी उन्होंने देखा कि जो सेल थी वो कैसी थी, मृत सेल थी, यानी कि डेड सेल थी। सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी ऑब्जर्व ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव माइक्रोस्कोप। यानी कि जो लिविंग हैं, सजीव जिनको बोलते हैं, सजीव की जीवित कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद ही देखा जा सकता है। यानी कि हम माइक्रोस्कोप के बिना, जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो टिनी ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं, उनको हम नहीं देख सकते। वेरी लिटिल वॉज नोन अबाउट द सेल्स फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर्स आफ्टर रॉबर्ट हुक ऑब्जर्वेशन। यानी कि 150 साल के बाद में रॉबर्ट हुक ने सेल का ऑब्जर्वेशन किया। टूडे वी नो अ लॉट अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बिकॉज ऑफ इम्प्रूव माइक्रोस्कोप हैवी हाई मैग्नीफाइंग। आज हमें कोशिका की संरचना एवं कार्यों के विषय में बहुत अधिक जानकारी है,
ये अधिक क्षमता वाले भी माइक्रोस्कोप अवेलेबल हैं जिनके द्वारा हम इनको देख सकते हैं। द सेल बोथ ब्रिक इन अ बिल्डिंग एंड सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो बिल्डिंग होती है उसके लिए ईंट और जो लिविंग होते हैं उसके लिए कोशिका, दोनों ही क्या करती हैं यानी कि संरचनात्मक इकाई हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट हैं। यानी कि बिल्डिंग जो ईंट होती हैं उससे बिल्डिंग बनती है, उसी प्रकार से छोटी छोटी सेल से क्या बनती है यानी कि बॉडी बनती है, बॉडी के ऑर्गन्स बनते हैं। यानी कि हमारी बॉडी पूरी बॉडी में क्या पाई जाती हैं, सेल्स पाई जाती हैं। द बिल्डिंग टफ विल्ट ऑफ सिमिलर ब्रिक हैव डिफरेंट डिजाइन शेप एंड साइज, जिस प्रकार से बिल्डिंग होती है उसमें डिफरेंट साइज की ईंटें होती हैं और शेप अलग अलग शेप की होती हैं, साइज की होती हैं, उसी प्रकार से लिविंग बर्ड में ऑर्गेनिज्म डिफर फ्रॉम वन अनदर, यानी कि सभी लिविंग क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इन लिविंग बर्ड ऑर्गेनिज्म डिफर फ्रॉम वन अनदर बट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल, यानी कि लेकिन होते तो अलग अलग हैं लेकिन सभी किससे मिलकर बनते हैं, सेल से मिलकर बनते हैं। सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर्स अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक, इस प्रकार सजीव जगत के जीव एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी कोशिकाओं के बने होते हैं। निर्जीव ईंट की अपेक्षा सजीवों की कोशिकाओं की संरचना अधिक कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स होती है यानी कि जटिल होती है। द एग ऑफ हैन रिप्रेजेंट अ सिंगल सेल एंड इज बिग एनफ टू बी सीन बाय अनएडेड आई, मुर्गी का अंडा एक सिंगल कोशिका का होता है, आकार में बड़ा होने के कारण इसे हम नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिजम्स सो वैरायटी इन सेल नंबर शेप एंड साइज, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें कोशिका की संख्या और उसकी शेप कैसी होती है और साइज में क्या डिफरेंशिएशन होता है यानी क्या विभिन्नता होती है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल, कहना है साइंटिस्ट लिविंग सेल की स्टडी और किस प्रकार से उसको ऑब्जर्व करते हैं। दे यूज माइक्रोस्कोप, यानी कि वो क्या यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। विच मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट, जो कि क्या होता है, मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट होता है। स्टेन आर यूज द कलर पार्ट्स ऑफ द सेल टू द स्टडी द डिटेल स्ट्रक्चर, साइंटिस्ट सेल का जो पार्ट होता है यानी कि उसको उसकी स्टेनिंग करते हैं, उसके बाद में माइक्रोस्कोप के द्वारा उसकी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर की। देर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर डिफरेंट शेप एंड साइज, पृथ्वी पर मिलियंस ऑर्गेनिज्म हैं लेकिन उनके सभी के साइज कैसे हैं, डिफरेंट हैं और शेप भी डिफरेंट है। देयर ऑर्गन ऑल्सो वेरी इन शेप साइज नंबर ऑफ सेल, लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ देम, उनके जो ऑर्गन्स हैं उनका साइज उनकी शेप सभी में क्या होती है, विभिन्नता होती है यानी भिन्नता होती है। आइए इनमें से हम कुछ की स्टडी करते हैं। नंबर ऑफ सेल्स यानी कि कोशिकाओं की संख्या, कैन यू गैसेस द नंबर ऑफ सेल इन अ टॉल ट्री, क्या आप एक टॉल ट्री है उसमें गैस कर सकते हैं कि कितनी सेल होंगी। इन अ ह्यूज एनिमल लाइक, जैसे बड़े एनिमल हैं एलिफेंट है उसमें आप बता सकते हैं कितनी सेल होंगी। द नंबर रन्स इनटू बिलियन एंड ट्रिलियन, यानी कि बिलियन और ट्रिलियन में भी हो सकती हैं। ह्यूमन बॉडी है ट्रिलियन ऑफ सेल, ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेलियन सेल्स की संख्या ट्रिलियंस में होती है। विच वेरी इन शेप्स एंड साइज, जो कि शेप और साइज में काफ़ी बड़ी होती हैं। डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म अ वेराइटी फंक्शन, सेल्स के डिफरेंट ग्रुप क्या करते हैं, डिफरेंट फंक्शन करते हैं, इनके डिफरेंट कार्य करते हैं। ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनती है उनको मल्टी सेलुलर बोलते हैं। द नंबर ऑफ सेल्स बींग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म डज नॉट, यानी कि छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो है कोशिकाओं की संख्या कम होती है। इन एनी वे
affect the functioning of the organism. You will be surprised to know that an organism with the billions of cells begin life as single cell, which is the fertilized egg. यहाँ पर कह रहे हैं कि छोटे जीवों में कोशिकाओं की कम संख्या उनकी एक्टिविटी किस प्रकार एक्टिविटी को प्रभावित नहीं करते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि कुछ छोटे जीव होते हैं उनमें संख्या कम होती है सेल की तो ऐसा हो कि उनकी बॉडी का साइज जो है उसको इफेक्ट डालती हों सेल, ऐसा नहीं है। आपको ये जान के भी आश्चर्य होगा कि अरबों कोशिकाएँ वाले जीवों के जो जीवन का प्रारंभ भी एक कोशिका से ही होता है, यानी कि जिसमें मिलियन सेल्स होती हैं उनकी भी जो है लाइफ जो होती है वो सिंगल सेल से ही शुरू होती है, और उनमें एक जो फर्टिलाइज एग बोलते हैं अंडा होता है, ये फर्टिलाइज एग क्या करता है यानी कि मल्टीपल करता है, यानी कि संख्या को बढ़ाता है। किसकी संख्या को बढ़ाता है? सेल की संख्या को बढ़ाता है, वृद्धि करता है यानी कि ग्रोथ करता है, तब उससे क्या होती है सेल की संख्या बढ़ती चली जाती है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर आपकी जो है दो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं, एक अमीबा दे रखा है और एक पैरामीशियम दे रखा है, डायग्राम दे रखे हैं पेज ऑन 91। दोनों ही जो ऑर्गेनिज्म हैं वो कैसे हैं, सिंगल सेल से मिलकर बनते हैं, जिनको हम यूनिसेलुलर बोलते हैं। यूनि मतलब वन और सेलुलर मतलब सेल, यानी कि जिन वन सेल से मिलकर जिनकी बॉडी बनती है उनको हम यूनिसेलुलर बोलते हैं। पेज ऑन 92 पर देखें ऊपर से, अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शन डेट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म, यानी सिंगल सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी वही कार्य करते हैं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि सेल का कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा एक कोई टिनी ऑर्गेनिज्म है एक उससे बड़ा ऑर्गेनिज्म है तो उनके जो फंक्शन होते हैं वो सेम होते हैं, ऐसा नहीं है कि जो है उनकी लाइफ अलग हो गई या उनकी लाइफ अलग हो गई, यानी कि सेल का नंबर ऑफ सेल्स का उनके फंक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैप्चर एंड डाइजेस्ट फूड, सिंगल सेल में जैसे अमीबा होता है वो क्या करता है भोजन को कैच करता है और डाइजेस्ट करता है फूड का, रेस्पायर भी करता है, एक्सक्रिएट करता है, ग्रोथ भी करता है एंड रिप्रोड्यूस भी करता है। सिमिलर फंक्शन इन द मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हीं की तरह सारे वर्क करता है, आर कैरी आउट बाय ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज सेल फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यूज, और वो क्या करते हैं यानी कि मल्टीपल जो सेल होती हैं बहुत सारी सेल जो होती हैं उनसे मिलकर क्या बनता है एक टिश्यूज बनता है, यानी कि टिश्यूज का निर्माण भी करते हैं। टिश्यूज इन टर्न फॉर्म ऑर्गन, और ये टिश्यूज क्या करते हैं ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं, उन ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। अब बात करते हैं शेप ऑफ सेल, यानी कि जो कोशिका है उसका आकार कैसा होता है, यानी कि विभिन्न कोशिकाएं होती हैं कुछ छोटी होती हैं कुछ बड़ी होती हैं, उनके सभी का आकार क्या होता है अलग अलग होता है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, कैन आई रेफर टू फिगर 8.3A, हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन द फिगर, कहना फिगर में आप अमीबा की शेप को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। यू मे से डैट द शेप अपीयर्स इरेगुलर, यानी कि अमीबा की शेप कैसे होती है इरेगुलर होती है, यानी कि बदलती रहती है। इनफैक्ट अमीबा हैज नो डेफिनेट शेप, इसलिए अमीबा की डेफिनेट शेप नहीं होती है, अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म दूसरी ऑर्गेनिज्म की अपेक्षा। इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप, ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ बेरिंग लेंथ प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी, दीज आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया, अमीबा की बॉडी से बाहर की ओर लंबे लंबे उभार निकले हुए होते हैं जिनको हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्यूडोपोडिया। एज यू लर्न इन क्लास 7th दीज प्रोजेक्शन अपीयर एंड डिसअपीयर एज अमीबा मूव्स और फीड, और यही उभार क्या होते हैं यानी कि जिस समय वो मूव करता है और जिस समय वो अपना फूड लेता है उस समय यानी कि बनते भी हैं और बिगड़ते भी, यानी कि वो जो आकृति निकलती है अमीबा में से आगे को स्यूडोपोडिया इनको बोलते हैं, यानी कि वो छिपा भी लेता है और आगे को निकाल भी लेता है। ठीक है स्टूडेंट, अ वाइट
ब्लड सेल्स यानी WBC बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स इन ह्यूमन। ब्लड इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल, यानी कि ब्लड में भी सिंगल सेल होती हैं। ये दूसरा एग्जाम्पल है सिंगल सेल का, विच कैन चेंज इट्स शेप, बट वाइल WBC इज अ सेल, अमीबा इज अ फुल फ्लेज ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस। यानी कि जो ह्यूमन होते हैं उनके ब्लड में RBC पाई जाती हैं, वो भी क्या होती हैं, सिंगल सेल का एग्जाम्पल होती हैं, जो अपनी शेप को क्या करती हैं, बदलती रहती हैं वो भी। यानी कि WBC भी क्या है, एक सिंगल सेल है, जबकि अमीबा एक फुल डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म है। यानी कि वो सेल क्या होती है, उसकी डेवलपमेंट होती है, यानी कि उसका जो शरीर होता है वो डेवलप होता है, ठीक है। इसलिए वो क्या होता है, वो अपनी फ्री तरह से रह पाता है, यानी कि ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस। यानी कि हिंदी में अगर बात कहें कि अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, यानी कि वो अपने लाइफ को अच्छे से रह सकता है। व्हाट शेप वुड यू एक्सपेक्ट इन ऑर्गेनिज्म विद मिलियंस ऑफ सेल, आपके विचार में उन जीवों में कोशिकाओं की आकृति कैसी होगी जिनमें लाखों कोशिकाएँ होती हैं। फिगर 8.4 ABC नीचे दे रखी हैं, आप देखें इसमें ABC फिगर दे रखा है। सो डिफरेंट सेल, यानी कि इनमें डिफरेंट टाइप की सेल होती हैं, सच एज ब्लड मसल्स और नर्व ऑफ ह्यूमन बींग्स, द डिफरेंट शेप आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शन। यानी कि सभी सेल जो होती हैं उनके अपने अलग अलग क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। जनरली सेल आर राउंड से राउंड, स्फेरिकल, एलोंगेटेड। यानी कि जो सेल्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, राउंड भी होती हैं, स्फेरिकल भी होती हैं और एलोंगेटेड भी होती हैं। द डिफरेंट शेप आर रिलेटेड देयर स्पेसिफिक फंक्शन, और डिफरेंट टाइप की जो सेल्स जो होती हैं उनके डिफरेंट क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं, ठीक है। सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड, कुछ सेल्स क्या होती हैं, लंबी होती हैं और कुछ के पॉइंट सेल्स के जो एंड पॉइंट जो होते हैं वो नुकीले होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। दे एग्जिबिट स्पाइंडल शेप, तो सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड्स, दे एग्जिबिट आर स्पाइंडल शेप। यानी कुछ सेल्स पॉइंटेड होती हैं, लंबी होती हैं और उनकी शेप कैसी होती है, स्पिंडल टाइप होती है। सेल्स समटाइम आर क्वाइट लॉन्ग, कभी कभी ये सेल्स लंबी भी हो जाती हैं। सम आर ब्रांचेस, कुछ में शाखाएं निकल आती हैं, ब्रांच निकल आती हैं, लाइक द नर्व सेल। जैसे नर्व सेल आप डायग्राम में देखो, इसकी ब्रांचेस दे रखी हैं नर्व सेल की, और अ न्यूरॉन सेल जिसको हम न्यूरॉन सेल भी बोलते हैं। द नर्व सेल रिसीव एंड ट्रांसफर मैसेज देयर बाय हेल्पिंग द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी कि नर्व सेल क्या करती है, हमारी जो बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबको कंट्रोल करती है और कोऑर्डिनेट करती है, ठीक है स्टूडेंट। कैन यू गैस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव इट शेप, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोशिका का कौन सा भाग इसे आकृति प्रदान करता है। कंपोनेंट्स ऑफ सेल आर एनक्लोज इन द मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका के जो पार्ट होता है जिसको हम मेम्ब्रेन बोलते हैं वो क्या करता है, इनको एनक्लोज करता है। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द सेल ऑफ प्लांट्स एनिमल, और ये मेम्ब्रेन जो प्लांट्स और एनिमल की जो सेल की शेप होती है उसको क्या करती है, यानी सेल को शेप प्रोवाइड कराती है एनिमल्स और प्लांट्स। आपने एनिमल्स और प्लांट सेल के बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आगे पढ़ेंगे। उनमें सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है जो कि आउटर लेयर जिनमें होती है, ठीक है, यानी कि वो सेल की शेप को बनाती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल, और इसके बाद में क्या होती है, एक सेल वॉल होती है, ठीक है, जो कि प्लांट सेल में ही होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। इट गिव्स शेप एंड रिगिडिटी टू दीज सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स ऑल्सो हैज अ सेल वॉल, ये कोशिकाओं का आकार एवं दृढ़ता प्रदान करती है। एंड जो बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें भी सेल वॉल पाए जाते हैं, यानी बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी सेल में भी सेल वॉल पाई जाती है। अब हम पढ़ते हैं साइज ऑफ
सेल, इनकी सेल का साइज कैसा होता है, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अब। द साइज ऑफ सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मे बी एज स्मॉल एज मिलियंथ ऑफ अ मीटर और मे बी एज लार्ज एज अ फ्यू सेंटीमीटर। यानी कि जो सेल्स का जो साइज होता है ऑर्गेनिज्म में, किसी किसी माइक्रोन में होता है, यानी कि वो माइक्रोन का साइज छोटा होता है जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, लेकिन है कि यानी कि एक मीटर जिसे बोलते हैं 1 मीटर का, यानी कि 1 मीटर का दे रखा है 10 लाख में भाग, समझ रहे हैं, 10 लाख में भाग के बराबर छोटा होता है इतने, यानी कि साइज ऐसा कह सकते हैं इनका साइज किस में होता है, माइक्रोन में होता है। आगे देखते हैं, हाउ एवर मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज एंड आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आई। यानी कि कुछ जो सेल होती हैं माइक्रोस्कोपिक से ही हम देखते हैं, यानी कि माइक्रोस्कोप से ही देखते हैं हम उनको, यानी कि नेक्ड आई से हम नहीं देख सकते हैं। दे नीड टू एनलार्ज मैग्नीफाइंग बाय माइक्रोस्कोप, यानी कि उनके लिए हमें एक ऐसे माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है जो कि उन सेल को बड़ा करके दिखा सके। स्मॉलेस्ट सेल, जो सबसे छोटी सेल होती है उसका साइज होता है 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की सेल सबसे छोटी होती है। और लार्जेस्ट सेल मेजरिंग, सबसे जो बड़ी सेल होती है वो क्या होती है, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है उसकी सबसे बड़ी सेल होती है, वो उसका साइज होता है 170 mm to 130 mm। ओके स्टूडेंट्स, द साइज ऑफ सेल्स हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ एनिमल। यानी कि जो सेल का साइज है और किसी एनिमल की बॉडी का साइज है उससे उसका कोई रिलेशन नहीं होता है, चाहे वो एनिमल में हो चाहे प्लांट में हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी डेट द सेल इन द एलिफेंट बी मच बिगर देन दोज इन अ रैट। आप देखते हैं कि एलिफेंट बड़ा होता है जबकि रैट जो होता है कैसा होता है, बहुत छोटा होता है। द साइज ऑफ सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन, यानी कि जो सेल का जो साइज होता है वो फंक्शन से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, नर्व सेल बोथ इन एलिफेंट एंड रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांचिंग। यानी कि एलिफेंट में भी नर्व सेल लंबी होती है और रैट में भी क्या होती है, लंबी होती है, ब्रांचेस भी निकली होती हैं उसमें नर्व सेल में। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन इन, बट उनका जो फंक्शन होता है वो कैसा होता है, सेम होता है, डेट ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेज, जो कि क्या करती है, मैसेज का ट्रांसफ़र करती है। हमने बताया था नर्व सेल क्या करती हैं, नर्व सेल जो मैसेज होता है हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वहाँ तक पहुँचाती हैं।